जा रहे थे तो मैंने उनको कॉल किया था, आई सेड यू नो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप ट्रॉफी लेकर आए अपने घर एंड यू विन द डैम शो। इतने सालों का गैप हो चुका है, अब मुझे डिवोर्स लेके 7 साल हो गए। यू नो आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव माय ओन लाइफ, माय ओन हाउस, आई हैव मैंने कम कितने शोज कर लिए उसके बाद, वर्क वाइज यू नो पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तो मुझे ऐसे मैं पीछे देख के मुझे लगता है कि यू नो क्योंकि बिग बॉस आ गया है तो अब हर चीज़ वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक क्लिप उठा लिया वो क्लिप उठा लिया, तो मेरे लिए वैसे ही आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। क्योंकि जब मैं भी बिग बॉस गई थी आई डेंट वॉन्ट टू पुट माई यू नो पास्ट इन द लाइम लाइट, तो अब सडनली जब लाइमलाइट में आ गया तो इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर मी टू रिमेंबर एनी थिंग और गो थ्रू द सेम थिंग अगेन। सो इट्स टेकन अ लॉट ऑफ ईयर्स फॉर मी टू कम टू अ प्लेस वेयर आई यू नो लाइक आई कैन टॉक अबाउट माई वेब शोज, आई कैन टॉक अबाउट माई सन्स बर्थडे विच इज कमिंग, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, टू गो बैक years back to something which I am not, obviously it was not a very pleasant time in my life जिससे जिंदगी पूरी की पूरी यूटर्न ले ली एंड बड़े करते संभलते करते हुए अब मैं एक जगह पे आई हूँ। मैंने खुद बिग बॉस किया हुआ है, आई डिड नॉट लेट दैट टेक द सेंटर स्टेज, तो सडनली इट्स ऑल ओवर द प्लेस और वो मुझे कंफर्ट नहीं है मेरा उसमें और वो डेफिनेटली मुझे बॉदर करता है। और शालीन जब जा रहे थे तो मैंने उनको कॉल किया था, आई सेड यू नो I wish you all the best and I wish कि आप trophy लेकर आएं अपने घर and you win the damn show and that is genuinely what I mean for him because you know he is moving on, I've moved on and I wish him luck and nothing else, right? But to in front of so many cameras, चाहे वो आप किसी भी कारण से शायद किसी के good books में आने के लिए या जो भी आपका reason है, आप इतने frivolously हंसते हुए मेरे past को नहीं ला सकते और उस चीज़ को इतने आसानी से आप नहीं बोल सकते। शायद ही वॉज ट्राइंग टू डॉज इट या शायद जो भी उनका रीज़न था, बट वो मेरे लिए इट इज़ वेरी बिग क्योंकि यू नो इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट अ कम्फर्टेबल प्लेस टू बी इन और वो मुझे बॉदर किया और मैंने येस ट्वीट किया। और ऑनेस्टली उसके बाद मैं बिग बॉस अब ऑन एंड ऑफ देख ही नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रिसेंटली भी किसी ने पूछा कि शालीन ने ऐसा बोला है, थैंक गॉड मुझे पता ही नहीं हो, तो मुझे शायद वो देखा तो मुझे बहुत स्ट्रांगली हिट कर गया बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू द होल थिंग, सो मुझे नहीं अच्छा लगा। बट शायद नहीं देखना इज माई ओनली एस्केप, तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि ना देखूँ। सो शायद आई सेव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ, मुझे इमोशनली आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू इट, इट्स वेरी सिंपल। अब इसको आप एक फ्रेंडशिप के दायरे में डाल सकते हैं, इसको आप को पेरेंट्स का कोई अगर वर्ड हो तो उसमें डाल सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड ऑब्वियसली नहीं डाल सकते क्योंकि जैसा आपने कहा और मेरे भी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मैं दिन में क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कौन मेरे दोस्त हैं, क्या मेरा टाइम चल रहा है, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ क्या हूँ, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच। शालीन उस वाले जोन में नहीं आते, हम भी कभी कभी मुझे भी उनका दुख सुख पता चलता है, मुझे भी मैं भी कई बार बोल देती हूँ, लेकिन हमारा वो कॉन्स्टेंट टच एक रिलेशनशिप जो होता है फ्रेंड्स का वैसा नहीं है।